रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल सरगोधा। और मैं हूं आपकी दोस्त समीना तारिक। कैसे हैं मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। और जी ये जो देख रहे हैं आप, ये हैं बीफ के पीसेस। आज हम बनाएंगे बीफ स्टिक्स। और ये देखें, इसको तकरीबन हाफ इंच मोटा जो है हमने इस तरह कट कर लिया है। ये देखें, इसके पीसेस काट लिए हैं। ये देखें, और ये देखें, ये सुभान कूटने वाले डंडे के साथ इसको कूट रहा है। इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना है हमने। और ये देखें, ये वाले हमने करके रख लिए हैं। और इस तरह ये सबसे पहले हम सारे करके रखते जाएंगे। ड्रिंक कर ली है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट रख लिया है मैंने 2 चम्मच। और ये है मेरे पास काली मिर्च, तकरीबन भर के, फुल भर के चम्मच होगा, 1.5 चम्मच होगा। और ये है नमक, और ये है भर के 1 चम्मच, और थोड़ी सी ऊपर कर देंगे। और जी ये है मेरे पास ऑयस्टर सॉस, ये मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। ये देखें, काफ़ी थिक होती है ये, देखें। इसके साथ मैं 2 चम्मच सिरका डाल दूँगी, 1, और ये हो गया 2। और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये भी मैं 2 चम्मच डालूँगी, 2। और ये है चिली सॉस, 1 और 2। बस अब इनको मिक्स करेंगे बहुत अच्छा सा, और इसको हम टाइम देंगे तकरीबन 5 घंटे देंगे, 4 से 5 घंटे, ताकि ये ज़बरदस्त फ्लेवर आ सके। चलें जी, ये देखें, इनको 4 से 5 घंटे हो गए हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसके लिए मैंने रख लिया है तवा, पुराने वाला छोटा तवा, क्योंकि वो पीछे देखें आप, मेरा बड़ा वाला तवा वो पड़ा हुआ है। इसे मैं अब कम यूज़ करती हूँ, कबाबों पे या कुछ हमने बनाना हो इस तरह से कुछ, तो इसको यूज़ करती हूँ। और हर किसी के पास ग्रिल पैन भी नहीं होता, अगर आपके पास है तो आप उसमें बनाइएगा, और फिर भी अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप तवे के ऊपर बना सकते हैं। क्योंकि हम अब ये स्किप नहीं कर सकते कि हमारे पास ग्रिल पैन नहीं तो हम खाएंगे नहीं स्टिक्स। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। स्टिक्स मैंने रख लिए हैं तवे पे, और आप इनको पकने तक साइड चेंज करें। पहले 5 मिनट पकाइए, फिर इसको साइड चेंज कर दीजिए, उस वक्त तक पकाएं जब तक बिल्कुल गल नहीं जाते। और अब मैंने इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया है और पकने दूंगी। अच्छा जी, स्टिक्स जो हैं बहुत ही मज़े के बन रहे हैं, देखें, जूसी से, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी से। और बिल्कुल मैं इनको स्लो आंच पर पका रही हूँ, और बहुत ही प्यारी खुशबू फैल गई है। मान लीजिए बाहर बादल छाए हुए हैं और अंदर ये बन रहे हैं। बस थोड़े से एक साइड रह गई है, फिर मैं इनको उतारूँगी। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त होते जा रहे हैं, और मैं इनको कह रही हूँ डिश आउट।
और ये है जी इसकी फाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।